कोविड-19 महामारी के चलते आज विश्व के सभी विकासात्मक कार्यों के साथ साथ मूलभूत कार्य भी प्रभावित हुए हैं, चाहे रोजमर्रा की जरूरतों को ही पूरा करने का सवाल क्यों न हो। इस वैश्विक आपदा ने जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, वहीं शिक्षा जगत में भी इसके प्रकोप को देखा जा सकता है। इसी संदर्भ में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020 जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक शिक्षा अंतराल में वृद्धि देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार महामारी के दौर में निम्न मध्यम आय वर्ग के तकरीबन 40% देशों में गरीबी, भाषाई अल्पसंख्यक और दिव्यांग लोगों को सीखने संबंधी कार्यकलापों को लेकर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको मालूम है कि बीते अप्रैल से ही अधिकांश स्कूल कॉलेज बंद हैं, जिसके चलते विश्व के तकरीबन 91% छात्र स्कूल नहीं जा पाए। विकल्प के तौर पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को अपनाया तो गया, लेकिन यह विकल्प कक्षा आधारित प्रणालियों की तुलना में कारगर साबित नहीं हो पाया। इस रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय वाले 55%, निम्न मध्यम आय वाले 73% और उच्च मध्यम आय वाले तकरीबन 93% देशों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण प्लेटफॉर्मों को अपनाया गया है। सरकार भी ऑनलाइन शिक्षण विकल्पों को अपना रही है, लेकिन डिजिटल डिवाइस के कारण सरकार का यह दृष्टिकोण भी अधिक सफल नहीं रहा है। इस विकल्प के लिए सबसे आवश्यक संसाधनों में बेहतर इंटरनेट कनेक्शन महत्वपूर्ण है, जो कि भारत में एक समस्या है। इन सब के अलावा दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित छात्रों के लिए शिक्षण सुविधाएं विद्यालय परिसर में ही बेहतर होती हैं, क्योंकि ऐसे छात्रों को कंप्यूटर या मोबाइल पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि निम्न और मध्यम आय वाले 17% देश अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती की योजना बना रहे हैं, 22% देश कक्षा के समय को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, तो वहीं तकरीबन 68% सुधारात्मक कक्षाओं को प्रारंभ करने का मन बना रहे हैं। गौरतलब है कि वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट एक स्वतंत्र प्रकाशन रिपोर्ट है। GEM यानी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट को सरकारों, बहुपक्षीय एजेंसियों और निजी संस्थाओं के जरिए वित्त पोषित किया जाता है और यूनेस्को इसे सुविधा और समर्थन देता है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि कोविड-19 महामारी से शिक्षा अंतराल में काफी वृद्धि हुई है। ऑनलाइन कक्षाओं को आयोजित करने में कक्षा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे में विद्यालयों को ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन की दिशा में व्यापक रणनीति और मूल्यांकन पद्धति को अपनाए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में टारगेट विद आलोक संस्थान के कुशल और सुनियोजित ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली को एक उदाहरण और मॉडल के रूप में अपनाया जा सकता है।